हाय गाइस, मैं उमामी एंड वेलकम बैक टू वेरी फास्ट। कुछ बोलने वाली थी मैं तेरी चक्कर में, भूल गई। रोक टोक करने की बहुत ज्यादा आदत है अगर बहन हो ना जिंदगी में तो, लेकिन मैंने आपसे कुछ गलत कर ही नहीं सकती। आप मम्मी बिस्कुट खा रही है तो मुंह कैसा कपड़ा है। मैं आपको शोर करने से कि मैं आपसे अचारी हूँ। तू नारी नहीं, पिशाचिनी है, पिशाचिनी। हाय गाइस, मैं उमामी एंड वेलकम बैक टू मेरे साथ। हो गया, चल फाड़ दे, फाड़ दे, यहाँ पिन उड़ जाएगा तेरा, ये साड़ी खराब होगा। चल चल, सबसे कैमरा ऑन करके करेंगे। हाँ और एक बात आप लोग बताना, हम दोनों बहनें सेम सेम लगते हैं कि नहीं लगते हैं? मुझे तो लगता है हम लोग, मतलब फेस कट में थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ा लॉन्ग फेस है और इसका राउंड फेस है, वरना सब कुछ तो मुझे सेम ही लगता है। मैं पापा पे गई हूँ और ये मम्मी पे गई है। बिल्कुल, तो चलो आज का अपडेट देंगे हम जो कुछ भी करेंगे, क्योंकि ये लोग 3-4 बजे तक रुकेंगे, तो जो जो कुछ भी हम करेंगे सब कुछ अपडेट देंगे, तो बने रहें हमारे साथ। और हाँ, सब्सक्राइब के लिए बोलूंगी। हाँ बोल दे। और गाइस, आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्या करो ना। अगर अच्छा लगता है, वाकई में अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब क्या करो, लाइक क्या करो। अच्छा लगता है, एक वीडियो के लिए कितना मेहनत लगता है ना। और अगर अच्छा नहीं भी लगता तो भी मैं बोल देती हूँ कि अगर नहीं भी लग रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसा मैं, मेरी लाइफ जैसी चलती है, मैं बिल्कुल सब कुछ, मतलब सिर्फ नयापन ये होता है कि मैं शूट जो करती हूँ वो मेरे दिमाग के हिसाब से करती हूँ कि मैं इसको, मतलब कैमरा का एंगल किस तरफ होगा, किस तरह से मैं इसको एक अच्छा सा लुक दे सकूं, क्योंकि मैं फिल्में बहुत ज्यादा देखती थी तो मुझे आइडियाज थोड़ा थोड़ा मैं चुराती थी करण जौहर के फिल्म से कि ये कैसे शूट किया होगा बहुत पहले। लेकिन अभी मुझे मौका मिला है जबकि मैं खुद यूट्यूब कर रही हूँ, तो वो सिर्फ होता है थोड़ा अलग, जैसे कि मैं अपना दिमाग चलाती हूँ। बाकी मेरा जो कुछ भी मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाती हूँ वो सब कुछ एज यूजुअल वैसा ही होता है जैसा कि मेरी लाइफ में चलता है, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही होता है। और मैं बोलती भी हूँ कि अगर पसंद नहीं आ रहा तो भी कमेंट कर दिया कीजिए कि मुझे क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वरना करूँगी तो मैं वही जैसा कि जो मैं करती हूँ घर में। जैसे कि ये लोग आए हैं तो मैंने कैमरा उठा लिया, ब्लॉग शूट कर लिया, कुछ काम करती हूँ तो कैमरा उठा के शूट कर लेती हूँ, कुछ खाना बनाती हूँ, कहीं जाती हूँ तो वो भी शूट कर लेती हूँ। लेकिन अगर पसंद नहीं आ रहा तो वो भी कमेंट कीजिए कि ब्लॉग अच्छा नहीं लग रहा है, और अगर लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, याद रट लिया है, बिल्कुल। सच्ची फैन तो सबसे बड़ी मेरी यही है। हाँ है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और मैं सोचती हूँ कि अरे मेरी माँ और मेरी दीदी। हाँ, और मैं सोचती हूँ कि देखा, कुछ बोलने वाली थी मैं तेरी चक्कर में, मैं भूल गई। अच्छा, रोक टोक करने की बहुत ज्यादा आदत है इसको, सच में। कुछ बोली हो तो बीच में चढ़ा। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, सभी को पता है कि मैं अगर बोलती हूँ तो सबको बोलती हूँ चुप, मेरी बातें पहले सुनो। देख भूल गई ना। हाँ। यही प्रॉब्लम मेरे साथ होता है, मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि चुप, पहले मुझे बोलने दो। A few inches later. हाँ जी, तो मैंने फिर से कैमरा इसलिए ऑन किया है क्योंकि मुझे याद आ गया कि मैं क्या बोलने वाली थी। तो मैं ये बोलने वाली थी कि इसने जैसे मुझे बोला ना अभी कि मेरे लिए तो ये हीरोइन है, तो सिर्फ लुक वाइज की ऐसा मैं नहीं बोलती, हर चीज़ को ये नाप तोल के बोलती है, बहुत सारी चीज़ें हर चीज़ में, मतलब क्या गलत है क्या सही है सब कुछ मुझे रोक टोक यही करती है, बोलना मत पहले मैं बोलती हूँ। और ये बोलने वाली थी कि इसके जैसी अगर बहन हो ना जिंदगी में तो यकीन मैंने आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते हो, आप कभी रास्ता भटक ही नहीं सकते हो, आप कुछ कभी गलत कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बस इससे शेयर करनी चाहिए वो बात करने से पहले कि ये मैं करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। मैं कुछ भी करती हूँ तो यकीन माने, मेरे हस्बैंड को भी पता है ये बात कि मैं सबसे पहले इससे कितने मोटे मोटे नहीं, प्यारे प्यारे गाले इससे ज़रूर से शेयर करती हूँ। और ये बहुत सारी बातें मुझे बोलती कि हाँ ये करो, ये मत करो, ये करने से ये प्रॉब्लम हो सकता है, सोच समझ के करो अगर करना है तो, अगर नहीं मानोगी तो, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं करना। और मेरी इतनी हिम्मत के इसके खिलाफ जाऊं, नहीं 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 हो नहीं सकता ये बिल्कुल। तो पहले भी मैंने बोला है और अब भी बोल रही हूँ कि कहने को तो ये रिश्ते में मेरी छोटी बहन है, लेकिन हक से बड़ी बहन और माँ दोनों का फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभाती है। और हाँ, एक बात और, मैंने जो कप्तान सोच रही हूँ कि सारा सब कुछ मैं इसको इस बार गिफ्ट कर दूँ, लेना चाहिए? एक लूंगी, रानी कलर वाला जो पहनी थी कल। हाँ हाँ, क्यों?
बाकी का पसंद नहीं, बाकी का अभी पसंद आ रहा है, रानी कलर लूंगी। अच्छा, मेहंदी कलर भी है मेरे पास ना, मैरून का जो इसने जो पहना था ना, ये मेरा ही है, मैंने मंगवाया था। मैं सोच रही थी कि इसको गिफ्ट कर दूं, लेकिन खुद आएगी और खुद चूज करके लेगी, लेकिन फिर जब आई तो मैंने सोचा कि ये भी तो मुझे गिफ्ट करती रहती है बीच बीच में। गिफ्ट क्या, जो कुछ भी मेरा है इसका है, इसका जो कुछ भी है मेरा है, है कि नहीं? तो इसीलिए हम सोचते नहीं ज्यादा, लेकिन सोच रही हूँ कि इसको दे दूं। तो इसने बोला, तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि वो कौन कौन सा है, अभी नहीं तो लेकिन थोड़ी देर बाद से जरूर से दिखाऊंगी। ठीक है, जा चाहे एक बार फिर से बना। तेरे घर में ना, तू ना तेरा घर में कौन सा क्या चीज कहाँ है मुझे मत बताएगा। आ गई बहना प्यारी, चाय बहुत अच्छी है, चाय। अरे बहुत अच्छा है, अच्छा तो बना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम है मेरे लिए। ले जा ले जा। नहीं नहीं नहीं, ले जा। दो तीन कप को मिला के जितना मैं उतना पीती हूँ। हाँ, मग में पीती है। मग में? हाँ। रीमा की चाय अच्छी कि मेरी? तेरी। ये मेरे मेरा बनाया नहीं है? नहीं, फिर भी तेरी अच्छी। मोबाइल ला तो। अगर तू सच में, अगर इंसान ना होती ना, तो सच में चुड़ैल होती। अभी भी मैं चुड़ैल। अच्छा, वह तेरी शादी नहीं हुई वरना ससुराल में सबका खून चूसती। हाँ, घर आते अपना रंग जमाना जरूरी है ना कि नहीं? अपन का राग चलेगा भाई, अपन का राग चलेगा, गंदगी चलेगा ना, गंदगी चलेगा। मेरे को साफ सुथरा ही अच्छा नहीं लगता है। किसके दिल में रहती है? तब से गाना गाए जा रही है, गाए जा रही है। मेरे मम्मी पापा के दिल में रहती हूँ। जिजा के दिल में नहीं, जिजा के सिर पे रहती हूँ। हाँ, खाने में मुझे क्या पसंद है? भेज या नॉन भेज, ऑप्शन दे। ये तो इतने में ही आउट। भेज, हाँ, भेज में चिली पनीर, चाउमीन, हाँ ये फेवरेट है। और देसी खाना में? नहीं नहीं, चाउमीन और क्या बोली? चिली पनीर फेवरेट है। फेवरेट है मुझे। क्या पसंद है बाहर का खाना? पहले तो भेज, पहले पानी पूरी, फिर झाल मुड़ी, और फिर जो ये बोली। बिल्कुल 100% करेक्ट। कहने के नहीं, जीजू को मिलेगा क्या वो? तू क्या बोली? नहीं, सिर्फ ये क्वेश्चन से थोड़ा ना, क्योंकि ये 3-4 दिन हो गया मैंने बोला था इनको। मुझे बोला था कि नहीं, या फिर कल? हाँ, 2 दिन हो गया तेरे लिए लेके आ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने बोला था कि आपको कैसे पता मुझे झालमुड़ी इतना ज्यादा पसंद है। अरे देखिए, मम्मी की थोड़ी सी आई साइड प्रॉब्लम है, तो उसने रात में भी चश्मा लगाई है। बिल्कुल हीरोइन जैसी मेरी मम्मी, देखो। ठीक है, हाय कर दे। ये सोच रहे होंगे कि स्टाइल के लिए, स्टाइल के लिए नहीं, मम्मी की आंखों में लाइटिंग से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए लगाई है। मम्मी बस 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 बस। अभी हाल ही में मैंने बोला हस्बैंड को के आलू मुड़ी लेके आ रहे थे मेरे लिए झालमुड़ी, तो मैंने बोला आपको कैसे पता? तो बोले कि बच्चों को भी तो बोलते हो कि झालमुड़ी लेके आना, तो पता चल गया। और पापा तुम्हारे लिए, मुझे याद है जब नई नई शादी हुई तो जब भी आते थे, कुछ भी लाना हो लेकिन साथ में पानी पूरी जरूर से लाते थे। एक मिनट, नेट ऑफ कर दूं। माता कर दीजिए। और देखो मम्मी बिस्कुट खा रही है, तो मुंह कैसा कपला रही है। हाँ, मुझे नहीं आता। अब मुझे जितना हिंदी आता है उतना ही बोलूंगी ना। हाँ, वो खाना मतलब बिस्किट वगैरह कुछ खा रही है अभी। चाय का कप देखिए कहाँ पे रख दिया, तो इसीलिए वो कपला रही थी अभी। हाँ, कपला रही थी मतलब चबा रही थी दांतों से। हाँ, कब में क्या पसंद है? लिपस्टिक और बिंदी। बिंदी नहीं पसंद है। नहीं, तो करके कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं शायद बिंदी ना लगाऊ ड्रेस के हिसाब से, लेकिन सिंदूर अगर मैं कोई स्टाइल हटके भी कोई भी स्टाइलिंग करूँ कुछ भी, तो सिंदूर तो मेरा मतलब फिक्स है। फिक्स क्या, पसंद है बहुत ज्यादा। मैं कभी चाहूं ही ना कि मैं कुछ भी स्टाइल करूं तो सिंदूर ना लगाऊं। जो बोलते हैं हर स्वागत का, क्या बोलते हैं? हाँ, हर स्वागत के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। ईश्वर के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। Once more. सही बोली, बिल्कुल। सिंदूर फैशन में कहाँ आता है? वो तो रिवाज है,
और हम लोगों का क्या बोलते हैं, सीरी बोलते हैं, मतलब सुहागने लगाते ही है, तो वो फैशन में नहीं आता। हाँ, बिंदी वगैरह जरूरी नहीं है कि बिंदी यहाँ पे, सिंदूर जो है वो मायने रखता है, यहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगाओ ना लगाओ अपनी मर्जी। और हाँ, मुझे ब्रेसलेट वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है, चूड़ियां उतना नहीं पसंद, लेकिन मैं एक चूड़ी हाथ में जरूर से रखती हूँ, क्योंकि ये सब फैशन में नहीं जाता, ये सब हमारे रिचुअल्स में जाता है हम लोगों का। हाँ, ये सारी चीजें तो फैशन में इसको हम कंपेयर नहीं करते। आज बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, तो हाँ, और मैं शूट कर रही हूँ सब कुछ, कितना रखूँ उस टाइमिंग के हिसाब से ना, तो कितना रखूंगी कितना नहीं वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं जब देखूंगी तो एडिट क्या क्या करूंगी, क्या क्या रखूंगी, क्या क्या छोड़ूंगी, देखूंगी। इतना एडिट करने में तेरे को 2 दिन लगेगा फिर? हाँ, लगने दो 10-12 मिनट वीडियो के लिए, तू तेरे को 2 दिन लगता है एडिटिंग। चलो, हाय गाइस, मैं हूं मामी एंड वेलकम बैक टू मेरे साथ। उम्मीद करते हैं कि आज का उम्मीद करते हैं कि आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ। ऐसा बोलती हूं मैं, आप भी बोलो कैसा बोलती हूं मैं, ऐसा तो सिर्फ तुम्हें याद है, कुछ तो बोलती हूं, आप बोलो ना प्लीज। मुझे जानना है कि मैं कैसे बोलती हूं, आप लोगों को इतना ज्यादा नहीं, आप लोगों से आपके मुंह से मैं सुनना चाहती हूं। मैं सुनने से तो सुन लिया है, ऐसा बोलो आप कैसे मिलते नहीं तो मेरे मुंह से सुन के क्या फायदा है? नहीं, मुझे अच्छा लगेगा तो एंड और स्टार्ट मैं थोड़ी ना करूंगा। कितने सीरियस भी बोले, मुझे इतना सीरियस देखो कभी, लेकिन ये घर में ऐसे ही है। मैं तो एक्टिंग नहीं करती ब्लॉग में, लेकिन ये करते हैं कि मैं बहुत अत्याचार करती हूँ उनको इस तरह से। सच में ये ऐसे अपने आप को शो करते हैं जैसे कि मैं अत्याचारी हूँ। तू नारी नहीं, पिशाचिनी है, पिशाचिनी। आप लोग डिस्टर्ब करो मुझे, अब मैं डिस्टर्ब कर, आप लोगों की आवाज सुनाई दे रही है, मैं कंसंट्रेट कर नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। मैं तो बिल्कुल चूचा हूँ। हरकतें भी बंद कीजिए। तीनों अभी तीनों देखिए मुझे, नहीं तीनों मुझे किस तरह से दिख रही है, एक लुक मैं दिखा दूँ, देखिए देखिए। तो मैं सोच रही थी कि अरे सुनो ना मेरी बात, तो मैं ये सोच रही थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, ज्यादा बोरिंग नहीं किया होगा मैंने। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे साथ को, और बने रहे मेरे साथ। आप भी बोलो इस बार प्लीज बोलिए। तो जी, मम्मी और बहना जो है वो दोनों चले गए अपने घर, और जैसे ही वो लोग घर से निकले तो तकरीबन आधे घंटे के बाद यहाँ पे हुई जोरों की बारिश, ये देख सकते हैं आप। मुझे तो डर सताने लगा कि पता नहीं कहीं रास्ते में बारिश ना मिल जाए, या फिर सही सलामत पहुँच गए या नहीं। लेकिन उसके आधे घंटे बाद उनका कॉल आ गया था कि सही सलामत पहुँच गए, लेकिन जब से ही बरगढ़ एंट्री की तो थोड़ी सी बारिश हुई वहाँ पे, लेकिन वो मैनेजेबल था। तो ये क्लिप है अगले दिन की सुबह की, और मेरी बहन जो है वो रियान और आयान के लिए, क्योंकि उसको पता है कि रियान आयान चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो ये 3 तरह की चॉकलेट्स लेके आई थी ताकि मैं घर पे बना सकूं। और उसने कहा कि दीदी प्लीज़ बना लेना ये बच्चों के लिए, बाहर से चॉकलेट्स बहुत महंगे आते हैं, तो ये वाला तुम तो घर में ही बनाती हो, तो चलो बच्चों के लिए मेरी तरफ से ये बना देना तुम। और इसकी रेसिपी मैं चॉकलेट की एक नई रेसिपी है जो कि मैंने शूट किया है, लेकिन अभी तक डाली नहीं हूँ, लेकिन वो आने वाले किसी ब्लॉग में मैं डाल दूँगी। बहुत मज़े की रेसिपी है, अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग। तो इसको फिर मुझे ऐसे ही बाहर नहीं रख सकती, क्योंकि अगर मैं चॉकलेट ना बनाऊं तो रियान क्या होता है ना कि वो ऐसे ही कच्चा खा जाता है, तो मुझे फ़ौरन से बनानी होती है। लेकिन इससे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे ही चॉकलेट सारे जो है इसको छुपा रही हूँ कहीं पे। और मैं जो है ये रात को अभी तकरीबन 1:30 से 2 बजे के अंदर बजे होंगे अभी, तो इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे नींद भी आ रही है, तो आवाज़ में आप लोगों को हल्का सा बोरिंग लग रहा होगा, मेरी आवाज़ में ताज़गी महसूस नहीं हो रही होगी, तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ओके गाइज, गुड नाइट, बाय बाय।